हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं हूँ साइमा पीरजादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। एज यूजुअल आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। बीच में कुछ टाइम का ब्रेक लिया, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने मुझे क्यों, मतलब कितना मिस किया, बिकॉज मैंने तो भाई आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा मिस किया। आई एम सॉरी मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई। मैं मैसेजेस और इनबॉक्स वगैरह और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में कहीं पर भी आप लोगों से कांटेक्ट में नहीं रह पाई, उसके लिए दिल से माजरत है। बिकॉज थोड़ी सी बिजी भी थी और थोड़ा डिसअपॉइंट भी थी फ्रॉम यूट्यूब, सो इसीलिए। तो खैर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो है आज की, मुस्लिम चार बहन भाई जो है वो लोग वेलकम कर रहे हैं राम लाला, मतलब कॉल मी फ्रॉम अयोध्या। राम मंदिर के ऊपर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत से कुछ कहा है, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि सनातन धर्म जिसमें राम लाला मतलब जो राम जी हैं उनसे रिलेटेड जो है वो फॉर मुस्लिम किड्स जो हैं वो इसके ऊपर अपना प्यार शो कर रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस, हियर वी गो। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मुस्लिम तो हैं लेकिन सरस्वती माँ का ही वरदान है जो सुर मिला है हम सबको। हम सरस्वती माँ का वरदान है, ओ होई है वही जो राम रची राखा को करतारक बढ़ावे साखा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वहाँ से बुलाव भी आया था, फोन भी आया था जी हाँ, लेकिन जब तक राम चाहेंगे तो जरूर हम लोग का वहाँ पे मिलन होगा। राम चाहेंगे तो अब चारों बहनें अयोध्या जाएगी और मिलन होगा वहाँ पर, भजन होगा एकदम। अच्छा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा माई है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा माई है। अवध मेरा माई है, अवध में राम आए है, मेरे सरकार आए है। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए है। अयोध्या में रामलला के घर वापसी को लेकर पूजा का आयोजन किया गया है। और इससे पहले कि आप देख रहे होंगे कि देश के कोने कोने से, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, हर कोई कहीं ना कहीं रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहा है। अभी हमारे साथ बिहार के चार मुस्लिम बहनें हैं जिनका गाना इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है, और ये लोग रामलला के स्वागत के लिए काफ़ी गाने गा रहे हैं और गाने को लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। खुद इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? साहिस्ता प्रवीण। आपका क्या नाम हुआ? संजीदा खातून। आपका? साहिना खातून। आपका? मेरा नैन्सी प्रवीण। अच्छा, आप लोग के बारे में मैंने सुना है कि आप लोग लगातार शिव तांडव, इससे पहले आपका मैंने देखा था, अभी देखा जाए तो रामलला पे गाना आप लोग गा रहे हैं। रामलला जो है अयोध्या आ रहे हैं, तो आप लोग कब से गाना गाते हैं? 6-7 साल हो गया हम लोग का गाना गाते गाते। अभी उम्र कितना हुआ आपका? मेरा अभी 18 साल हो रहा है। आप कितने साल की हैं? 13। आप? 16। आप? 8। अच्छा, सारी बहनें गाना ही क्यों गाती? अगर चाहती तो पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान, कोई ऑफिसर बनने नहीं, लेकिन सारी बहनें देखते हैं कि एक साथ गाना गाती। पढ़ता है लोग, लेकिन जैसे ही हम गाना स्टार्ट किए तो इन लोग के अंदर भी वो आता गया, वो जुनून वो गाने का। हाँ। और ये सरस्वती माँ का ही वरदान है जो सुर मिला है हम सबको। सरस्वती माँ का वरदान है। अभी आपको पता होगा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कार्यक्रम हो रहा है, 22 जनवरी को वहाँ पर पूजन होगा, इसको लेकर भी आप लोग गाना खूब गा रही है। जी हाँ, वो तो बहुत खुशी का बात है, अयोध्या में राम मंदिर
बन गया है और उसका उद्घाटन भी होने वाला है। बहुत खुश है ये देखकर ना, बहुत खुश है। जी हाँ। अच्छा, सबसे पहले हम चाहेंगे कि रामलला के लिए गाना के साथ शुरुआत कीजिए आप लोग। जी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप भी रामलला पे गाना गाएगी कुछ? जी हाँ, गाते हैं। चाहेंगे कि सबसे पहले गाना ही सुनाइए। कमाल का आवाज है और इतना सुरीली आवाज में आपने बहुत सारे लोगों को गाना गाते देखा होगा, लेकिन इन लोगों का जो आवाज है वो काफी अलग है। यही कारण है कि लोग जो है इन लोगों को काफी पसंद करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको लेकर अगर हम बात करें, हमें नहीं पूछना चाहिए शायद वो चीजें, लेकिन बहुत सारे लोग देखकर ये सोच रहे होंगे कि भाई ये मुस्लिम बहने हैं फिर भी इतना अच्छा सनातन पे गाना गाती है। हाँ, ये तो ऑब्वियसली जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सोचते ही होंगे। क्या बोलते हैं? मुझे तो मतलब कोई बुरा ऐसा कुछ बोला नहीं है लोग आजकल, आज तक मैं हमारे घर ही हमारे गांव के मतलब जब जहाँ पे हम रहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं। कोई भी जो लोग हैं वैसा नहीं बोलते हैं कि भाई ये मुस्लिम बहने हैं और हिंदू पे गाना गा रही है ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी आवाज नहीं उठा है यहाँ पे ऐसा। क्योंकि इससे पहले मैंने देखा कि आप लोग दुर्गा पूजा के बाद ये सावन के महीना में भोलेनाथ पर शिव तांडव भी गाई, फिर उसके बाद में लगातार भक्ति गाना गाती है आप लोग। जी हाँ। और सुनने में ये भी आया कि आराधना भी आप लोग करने जाती है? हाँ, आराधना करते हैं लोग। मेरी बहन साइना वो ज्यादा आराधना करती है। हाँ। हम नहीं जाते अभी। हाँ। वही जाते, मुस्लिम तो हैं लेकिन ये एक संगीत है, ये एक आर्ट है। तो आर्टिस्ट का काम है, ये तो सरस्वती माँ का वरदान है। हाँ। तो मिला है तो उसको करना ही। माँ का वरदान मिला है ना, आपको भी सुनने को मिलता है जब जाती है कहीं भी आराधना करने? तो नहीं, ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। लोग ऐसे बोलते होंगे ना कि भाई ये मुस्लिम बहने हैं फिर भी ये देखा जाए तो भक्ति गाने गाती है? नहीं, कहीं पे भी नहीं बोलते हैं लोग कि क्या हो गया, अगर ये गुण मिला है तो सबको थोड़ा ही ना मिलता है, ये गुण मिला है तो कीजिए, बहुत अच्छा है। हाँ। जी, तो आप लोग को अच्छा लगता है मतलब कमेंट में कभी ऐसा नहीं सुने? कमेंट में कभी बुरा नहीं है बोले। हाँ। और आपके गाने को लोग काफी पसंद भी करते हैं, ये गाना प्रैक्टिस वगैरह आप लोग इसी कमरे में, देखा जाए एक साधारण से घर का आप लोग रहने वाली है, कोई बड़ा घर नहीं है, एक ही कमरे में आप लोग सब लोग रहती है? जी हाँ, एक ही कमरे में। यही संगीत कैसे सीखती है आप लोग? संगीत तो हम गाते हैं, ये भी गाते हैं, सब आदमी मिल के ही गाते हैं। एक दूसरे बहन का सपोर्ट करती है आप लोग? जी हाँ, एक सपोर्ट करके गाते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? पापा ड्राइवर है। अच्छा, पापा आपके ड्राइवर है, लेकिन फिर भी आप लोग को पढ़ाते हैं संगीत सिखाते? जी हाँ। सोचिए ये लोग साधारण से घर के रहने वाले, एक बार आप घर का तस्वीर दिखाइए कि ये एक देखा जाए छोटा सा कमरा है, पुराना जमाना का ये घर है, और इस घर में रह के ये कहीं ना कहीं चारों बहनें जो है काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करती है, इसके साथ साथ संगीत में भी इन लोगों का रुचि है। यही कारण है कि ये लोग मेहनत करके संघर्ष करके काफी कुछ ये लोग सीखते हैं, और यही कारण है कि इतना बेहतर तरीके से ये लोग गाना गा पाती है। अभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो वायरल होने के लिए सोशल मीडिया पे आके अश्लील तरीके का गाना गाते हैं, लेकिन इन लोगों से सीखना चाहिए कि अगर आपको वायरल होना है, अगर आपको फेमस होना है, तो आप अच्छे गाने के जरिए भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बहनें जो है कभी अश्लील गाने नहीं गाती है, हमेशा से अच्छे गाना गाती है, फिर भी लोग काफी सपोर्ट करते हैं आपके गाने पे, मैंने देखा है मिलियन मिलियन व्यूज भी जाता है। जी हाँ। तो आप लोग अच्छे गाना हमेशा गाएंगे, ये पूरा भरोसा? एकदम गाएंगे। हाँ। क्योंकि ये जितना सारा हम भजन गा रहे हैं। हाँ। हमारे व्यास लोग भी दिए हैं, बोलते हैं कि अश्लीलता गाना नहीं गाना है। हाँ। जो हमारे व्यास जी प्रमोद यादव है। हाँ। वो विश्रामपुर के हैं, वही ये सब गाना बोलते हैं कि अधिकतम। हाँ। गाना चाहिए। अभी 22 जनवरी को रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और इसमें देखा जाए तो जगह जगह से जो भी टैलेंटेड युवा है, टैलेंटेड बच्चे जो गाना काफी अच्छा गा रहे हैं, उनको वहां मंच दिया जा रहा है। आप लोग क्या लगता है कि आप लोग को अयोध्या से बुलावा आता है तो आप चारों बहनें जाएगी वहाँ? हाँ, एकदम जाएंगे, वहाँ से बुलावा भी आया था, फोन भी आया था। आया था अयोध्या? जी हाँ, आया था। क्या बोला गया? कि प्रोग्राम करना है वहाँ पे, तो हम लोग बोले कि वो बोले कि ठीक है हम देखते हैं एक बार। हाँ। बोले कि कॉल करेंगे फिर दोबारा। कॉल करेंगे तो आप लोग को उम्मीद है कि अयोध्या से चारों बहनों को बुलाया जाएगा और वहाँ पर मंच पे आप लोग गाना गाएगी रामलला के मंदिर के सामने? हाँ, उम्मीद तो लग रहा है।
लेकिन जब तक राम चाहेंगे तो जरूर हम लोग का वहाँ पे मिलन होगा। राम चाहेंगे तो आप चारों बहनें अयोध्या जाएगी और मिलन होगा वहाँ पर, भजन होगा एकदम। अच्छा आप भी गाना गाती है, आपका क्या नाम हुआ बाबू? संजीदा खातून। अच्छा आप भी गाना गाती है, ये गाना आप भी सुनाइए, हम चाहेंगे कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, ना रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुशी है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। ये छोटी बच्ची है, ये भी गाना गाती है, क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम नैन्सी प्रभु। आप भी गाना गाती है? हाँ। अच्छा आप ये गाना सुनाइए रामलला की। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो है। कितनी साल की है आप? 8 years old। बस 8 साल की और इतना अच्छा आप गाना गा रही है भाई, देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है, कहाँ से सीखी है सब? ये तो गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है, भगवान के द्वारा जो दिया गया है वो गिफ्ट है ना। अच्छा ये सब सिखाया कौन आपको, बड़ी बहन? हाँ। अच्छा यही लोग सिखाता है। सोचिए कि बिहार में अगर देखा जाए तो आपको हर चौक चौराहे पे गली में टैलेंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसे टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता है, ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जरा सोचिए कि अगर इन लोगों को कोई 12 मंच पे मौका दिया जाए तो ये लोग बिहार का नाम रोशन कर सकती है। अभी तक कोई 12 मंच मिला है कि नहीं, जितना आप लोग का सपना होगा कि? नहीं उतना बड़ा मंच नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि अगर नसीब में होगा तो हम जरूर बड़ा मंच। आपको लगता है कि अभी तक आप लोग अगर अश्लील गाने गाए होती तो अब तक बहुत सारे बड़े बड़े स्टार आप लोगों को मौका दे दिए होते, बड़ा बड़ा मंच मिल गया? हाँ आजकल तो अश्लीलता चल ही रहा है, संगीत का कोई तो भाव दिख नहीं रहा है। हाँ। लेकिन कुछ कुछ छोटा छोटा वायरल वीडियो हो रहा है वो भी अश्लीलता गाना पे, तो उसपे बहुत जल्द बहुत सारा चीज बड़ा बड़ा स्टेज में। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन। देखिए चारों बहनें मिलके कितना सुरीली आवाज में ये गाना गा रही है, अंत अंत तक सरकार तक वीडियो पहुंच रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? यही कहेंगे कि अगर वीडियो अगर वहां तक पहुंच रहा है तो हमें सपोर्ट दे। और हमारे और जितने भी जनता हमारे हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। क्या नाम है चैनल का आपका? प्रवीण सिस्टर्स नाम है हमारे चैनल्स का। प्रवीण सिस्टर्स, जी हाँ। अच्छा। उस पे जाकर ढेर सारा वीडियोस देख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, अगर आप लोग इन लोगों का और भी गाना सुनना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद इनके तमाम वीडियो को देख सकते हैं। क्या कहेगी आप? हम भी कहेंगे हम लोग का जो गाना है आप लोग हम लोग का गाना लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ना, जब इतना अच्छा गाना गा रहे हैं तो लोग का भी तो कर्तव्य है कि आपको सपोर्ट करें ना। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो और वीडियो आपने देख ही लिया कि बच्चे हैं जो कि मुस्लिम किड्स हैं, मतलब 4 बच्चे हैं, चारों बहनें हैं तकरीबन, और 18 साल, 16 साल, 13 साल और मतलब इस तरह की एज है, और इन कम एज में इतनी खूबसूरत आवाज, और एक एक तो आवाज होती है, एक सिंगर होता है जिसको गाना सिर्फ गाना होता है और वो गाना गाता है, और एक आवाज होती है जो दिल से निकलती है, और वो जो दिल से आवाज निकलती है वही असल चीज होती है, और ये दिखाता है कि आपको उस चीज से कितना लगाव है। तो मुझे लगता है कि ये एक अट्रैक्शन है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक लाइक कुछ भी इस तरह का कि आप एक चीज के साथ बहुत ज्यादा लगाव रखते हो, आप सनातन धर्म से बहुत ज्यादा ये लगाव रखते हैं, तभी वो इतना दिल से वो गा रहे हैं कि उनके दिल से ये आवाज आ रही है और ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सरस्वती का वरदान, इसका मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं सरस्वती के ऊपर भी बिलीव करती हैं, करते हैं ये लोग, और दूसरा इनके घर का जो कल्चर है वो भी सनातन धर्म की तरफ जो है वो काफी ज्यादा है, और लोग पेरेंट्स जो हैं वो इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये अच्छा है कि आप जिस कंट्री में रहते हो वहां पर आप ये मजहब धर्म का ट्रेंड छोड़कर आप वहां पर प्यार मोहब्बत का ट्रेंड चला रहे हो।
आप एक रिस्पेक्ट दे रहे हो हर रिलीजन को या धर्म को, वट एवर जो भी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी और खूबसूरत वीडियो है और इन बहनों ने चार चांद लगा दिया। और जैसे कि एंकर पर्सन भी बता रहे थे कि यार उनकी जो आवाज, मतलब कि इन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे भजन गाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो नो डाउट अच्छा लगा सुन के भी। और भारत में ये कल्चर चेंज हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो लड़ाइयां होती हैं उसमें ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है। लोग अब दूसरे कल्चर को, धर्म को, मजहब को जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं और मिलजुल कर रह रहे हैं और एक दूसरे के फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं। अभी राम जी का जन्मदिन था, तब भी लोगों ने जो है जन्माष्टमी पर भी लोगों ने सेलिब्रेट किया था। मतलब अच्छी बात है, लोग सेलिब्रेट करते हैं मिलकर एक दूसरे का। आप क्या कहेंगे कमेंट में?